अम्बेडकर जयंती के मौके पर अहमदाबाद में बीजेपी और दलित कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दरअसल बीजेपी सांसद किरीट सोलंकी यहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को माला पहनाने पहुंचे थे, लेकिन कुछ दलित कार्यकर्ताओं ने उनको ऐसा करने से रोक दिया और वहां जोर जोर से नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया और दोनों तरफ के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच नौबत मारपीट तक पहुंच गई। ये सभी दलित कार्यकर्ता जिग्नेश मेवाणी के समर्थक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेवाणी ने पहले ही ऐलान किया था कि वो अम्बेडकर की प्रतिमा पर बीजेपी नेताओं को माला नहीं पहनाने देंगे। पुलिस ने इस मामले में 5 दलित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ये घटना शनिवार सुबह की है। वहीं इस हंगामे को लेकर किरीट सोलंकी का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें बाबा साहब को माला पहनाने से नहीं रोक सकती। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट को लेकर जो बदलाव किया है, उससे दलित संगठनों में बेहद नाराजगी है। 2 अप्रैल को कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के विरोध में भारत बंद का भी ऐलान किया था, जिसमें काफी हिंसा देखने को मिली थी। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।